तो वही नारायणपुर की घटना पर बीजेपी प्रवक्ता देवलाल ठाकुर का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने इस घटना को लेकर प्रदेश सरकार पर बड़ा हमला बोला है। वहीं इस मामले पर कांग्रेस नेता सुशील आनंद शुक्ला ने बीजेपी पर पलटवार किया है और कई गंभीर आरोप लगाए हैं। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार आदिवासियों को आरक्षण तो छीनी ही, साथ ही अब आदिवासियों की संस्कृति छीनने में लग गई है। आज नारायणपुर की घटना बताता है कि कांग्रेस सरकार की सह पर आदिवासियों को धर्मांतरित कराया जा रहा है और आज धर्मांतरण कराने वाले लोग आदिवासियों पर हमला कर रहे हैं। ये किसकी सह पर हो रहा है? कहीं ना कहीं ये छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार एवं यहाँ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के सह पर आदिवासियों के ऊपर हमला हो रहा है, उसके संस्कृति पर हमला हो रहा है। नारायणपुर की घटना बेहद ही दुर्भाग्यजनक और निंदनीय है। आदर्शस्व भारतीय जनता पार्टी जो वैमनस्यता फैलाती है, उसका यह परिणाम है कि आज नारायणपुर जैसी दुर्भाग्यजनक घटना हुई है। कांग्रेस की सरकार इस प्रकार की घटना को रोकने तथा उसकी पुनरावृत्ति नहीं होने के लिए प्रतिबद्ध है। अधिकारियों से कहा गया है कि मुस्तैदी से अपना काम करें, जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। हमारी सरकार और कांग्रेस पार्टी आदिवासी संस्कृति की रक्षा, आदिवासियों के शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक उन्नति के उनके हितों के संवर्धन के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध।